आरबीएससी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बड़ी सी खबर व नवी व ग्यारहवीं विद्यार्थियों के लिए बड़ी सी खबर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो आज की न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, एजुकेशन न्यूज़पेपर में क्या न्यूज आई है। बोर्ड को छोड़ अन्य परीक्षा रद्द कर अगली कक्षा में दे सकते हैं प्रवेश, शिक्षा मंत्री जी ने कहा। कल जो है शिक्षा मंत्री जी ने एक इंटरव्यू हुआ, शिक्षा मंत्री जी का जो है कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसके दौरान जो शिक्षा मंत्री जी ने जो जताया है बोर्ड परीक्षा को लेकर, उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा को छोड़कर, बोर्ड परीक्षा के बारे में उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि बोर्ड परीक्षा जरूर होगी, चाहे कितना ही बोर्ड विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़े, जून जुलाई तक इंतजार करना पड़े, ऐसा भी उन्होंने कहा है। जून जुलाई तक उनको इंतजार करना पड़े लेकिन बोर्ड परीक्षा जरूर होगी, ये मैं आपको बोर्ड विद्यार्थियों में भी बता दूं और कल जो है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी जताया है। और अन्य परीक्षा रद्द कर अगली कक्षा में दे सकते हैं प्रवेश, वहां बात की गई है जो नवी और ग्यारहवीं विद्यार्थियों के लिए और पहली से आठवीं तक विद्यार्थियों को प्रमोट कर देंगे, ऐसा माना जा रहा है। यहां पर जब पूरी खबर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगे शिक्षा विभाग लॉकडाउन के चलते बोर्ड परीक्षा को छोड़कर शेष सभी कक्षाओं की परीक्षा निरस्त कर सकता है शिक्षा विभाग, ठीक है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को सीधे अगली कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है, यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो 14 अप्रैल के बाद विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। यदि बढ़ाने का बात कर रहे हैं, यानी बढ़ाया जा भी सकता है इन हालातों को देखकर, तो फिर क्या करेंगे, शिक्षा जो विभाग है वो अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाएगी आयोजित। मैं कह रहा हूँ ना 14 अप्रैल को आपका कब एग्जाम होगे, बोर्ड एग्जाम कब होगे, इसका अंतिम फैसला आने वाला है। लेकिन ये पक्का है कि बोर्ड एग्जाम जरूर होगे, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, शायद जून या जुलाई में आयोजित क्यों न हो। कि कक्षा एक से सातवीं व नवीं व ग्यारहवीं कक्षाओं की परीक्षाएं निरस्त करे या फिर नहीं, इस पर जो है फैसला लिया जाएगा। तो एक बड़ी सी न्यूज है सभी विद्यार्थियों के लिए, खासकर नवीं व ग्यारहवीं विद्यार्थियों के लिए, और बोर्ड विद्यार्थी आप सुन लो, आपका जो एग्जाम जरूर होगा और जो रिजल्ट में वो भी जो है देरी से घोषित किया जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। राजस्थान में जो हॉटस्पॉट पर लॉकडाउन जारी रहेगा, देखो मैं आपको बता दूं 14 अप्रैल के बाद हर जगह राजस्थान, पूरे राजस्थान में लॉकडाउन जारी नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। जबकि कुछ एक क्षेत्र, कुछ एक जिलों में हॉटस्पॉट जो क्षेत्र है जहां पर कोरोना का प्रभाव ज्यादा बताया जा रहा है, उनमें जो है आपका जैसे मान लो भिलवाड़ा हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे जिले उनमें जो है ये जो लॉकडाउन है जारी रहेगा, ये जो है बात कही गई है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, धर्मस्थल 15 मई तक बंद ही रहे, मंत्री जो है समूह ने कहा, आपको पता ही होगा। तो मैं आपको बता दूं आपकी जो बोर्ड परीक्षा है आयोजित तो जरूर होगी, तो चाहे वो मई या जून जुलाई में आयोजित क्यों ना हो, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आपकी जो है परीक्षा जो है जरूर आयोजित होगी 2020 में, रिजल्ट चाहे देरी से क्यों ना आए लेकिन बोर्ड एग्जाम्स जरूर हो गए। तो एक छोटी सी अपडेट अच्छी लगी वीडियो, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आपके भी किसी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन में डाउट है तो डाउटनेट के व्हाट्सएप पर फोटो को खींच के क्रॉप करके आपको सेंड कर लेना है, तो आपको 10 सेकंड में उसका वीडियो सलूशन के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। और आपके इसी ऐप के माध्यम से भी जो आप सलूशन कर सकते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींचनी है क्रॉप करके आपको सबमिट पे क्लिक करके जो है आप इसके डाउटनेट के माध्यम से आपका आंसर है वो ढूंढ सकते हैं वीडियो सलूशन के साथ। तो ये आपको डाउटनेट करना 8400400400 व्हाट्सएप नंबर पर जाना है जरूर।